आवासीय पट्टे की मांग को लेकर भाजपा के तीन कार्यकर्ता सिद्दकी बड़गुजर, प्रफुल्लित जैन, लक्ष्मी नारायण सेन दो दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नगर के पुराना बस स्टेट भूख हड़ताल पर बैठे युवकों को लोगों का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन प्रशासन इससे पूरी तरह से बेखबर है। यहां तक कि वर्तमान विधायक भी इस पर मौन है। सिद्दकी बड़गुजर ने विधायक पर पट्टे की धांधली का आरोप लगाया है और सवाल किया है कि गरीबों को पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की मांग है कि विधायक अपना वादा पूरा करे और गरीबों को पट्टा दे। एसडीएम ने पट्टा वितरण के संदर्भ में कुछ भी जानकारी देने से इंकार किया है। एसडीएम ने कहा पट्टा वितरण के विषय में उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। स्थानीय विधायक का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। गरीबों के लिए जिनको आवास नहीं मिल पा रहा है, और आवास इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास पट्टा नहीं है। आज से कुछ सालों पहले दलेश्वर साहू विधायक 2018 9 अगस्त में यहीं पर पुराने बस स्टैंड में वो भूख हड़ताल में बैठे थे और लगभग 800 से 1000 पट्टों के उन्होंने मांग की थी, लेकिन उनकी गवर्नमेंट, वो खुद विधायक हैं, मंत्री उनके हैं, मुख्यमंत्री उनके हैं, शासन प्रशासन सारे उनके हैं, और उस समय उन्होंने ये कह दिया था कि डॉक्टर रमन के कारण हमको पट्टा नहीं मिल पा रहा है। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर आई है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए दिए जाने वाले मकान नहीं बनाए जाने के चलते भाजपा प्रदेश में इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में भी जबलपुर में 22 फरवरी को भाजपा ने विधानसभा के विधायक रेखचंद जैन के कार्यालय का घेराव किया और रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। मिताली चौक के पास बैरिकेड्स लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका गया, जहां कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। भाजपा ने मामले पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक होने वाले गिरौदपुरी मेले की तैयारी का जिला कलेक्टर और एसपी ने जायजा लिया। कसडोल विधायक खंड के अंतर्गत गिरदौरपुरी धाम में 3 दिवसीय मेले का कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक झा ने प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। मंदिर परिसर, जैतखाम, विश्राम गृह, पार्किंग एरिया, सुरक्षा, लाइटिंग, हाई मास्क, पेयजल, दर्शनार्थियों के ठहरने की व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया गया और पुराने अनुभवों के आधार पर इससे और अच्छी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। कम्युनिटी टॉयलेट और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए अतिरिक्त अस्थायी हेलीपैड तैयार करने को भी कहा गया है। बस्तर जिले के बकावंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उड़ीसा से गांजा तस्करी कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस तस्कर के पास से 22 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 2,22,000 रुपए तक बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए जगदलपुर सीएसपी विकास कुमार ने बताया कि बकावंड पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि बकावंड क्षेत्र के भैंसावेड़ा चौक के पास एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ यानी कि गांजा को छिपाकर बिक्री के लिए ले जाने वाला था। सूचना के आधार पर बकावंड पुलिस ने निशानदेही स्थान से व्यक्ति को घेराबंदी करके पकड़ा और तलाशी के दौरान आरोपी के बैग से 4 पैकेट गांजा प्राप्त हुआ, जिसमें से 22 किलो गांजा जब्त किया गया। आरोपी उड़ीसा प्रांत के नवरंगपुर क्षेत्र का निवासी है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सिद्धी जिले के कुसुमी आदिवासी पंचायत कोडार से एक चौंकाने वाला भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां तालाब जीर्णोद्वार कार्य के निर्माण कार्य जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से पूरे कराए जा रहे हैं और उसमें फर्जी मनरेगा योजना में मजदूरी की हाजिरी भरकर पैसे निकाले जा रहे हैं। ये राशि कुसुमी के समाज सेवी के छोटे भाई रजत गुप्ता के खाते में डाली जा रही है, जहाँ से राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मामले के बारे में कुसुमी जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी है, लेकिन पंचायत के पदाधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। सूत्रों के मुताबिक करीब 9 लाख का तालाब जीर्णोद्धार का कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसमें करीब 5 लाख रुपए फर्जी मास्टर रोल में लोगों की हाजिरी भरकर निकाले जा चुके हैं। सीधी जिले के कुसुमी आदिवासी पंचायत